नमस्कार दोस्तों, SBI इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड जो है एक्सपायर हो चुका है। पासवर्ड चेंज करना जो है हमें ज़रूरी है। अगर आप SBI का पुराना प्रोफाइल पासवर्ड जो है डाल रहे हैं तो वहां पर बताया जा रहा है कि पासवर्ड जो है इनवैलिड। अगर आप एक दिन में जो है 3 बार से अधिक जो है प्रोफाइल पासवर्ड गलत डाल देते हैं तो आपका प्रोफाइल जो है लॉक कर दिया जाता है SBI की तरफ से। प्रोफाइल पासवर्ड का फॉरगेट करने का भी जो है ऑप्शन जो है नहीं दिया जाता है। अगर आपका भी यही समस्या है, पासवर्ड इनवैलिड बता रहा है, तो आइए इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है इस नए वीडियो में जो है जानते हैं। तो सो फ्रेंड, मेरा नाम है विशाल कुमार, आप देख रहे हैं प्यारा चैनल बर्मा टेक। चैनल पर नया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रोफाइल पासवर्ड को जो है फॉरगेट करना होगा। तो हमने SBI का नेट बैंकिंग जो है ओपन कर लिया है मोबाइल में, डेस्कटॉप में भी सेम प्रॉब्लम आपको देखने को जो है मिलेगा। तो यहाँ पर ओपन कर देने के बाद हमें जो है पासवर्ड देखिए नहीं मालूम है, इसलिए जो है वहाँ पर इनवैलिड पासवर्ड जो है दिखाई दे रहा होगा, प्रोफाइल पासवर्ड। तो इसके बाद हमें फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया गया है, उस OTP को आपको यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद सबमिट वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। सबमिट पर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने जो है प्रोफाइल पासवर्ड रीसेट करने के लिए 3 ठो ऑप्शन जो है दिखाया जा रहा है। पहला देखिए, आपको अगर क्वेश्चन मालूम है जो आपने प्रोफाइल पासवर्ड बनाते समय जो भी क्वेश्चन का आंसर अपने अनुसार डाले हुए हैं, अगर आपको आंसर मालूम है उस क्वेश्चन का, तो आप उसके जरिए जो है अपने प्रोफाइल पासवर्ड को जो है रीसेट कर सकते हैं। दूसरा आपको यह है कि आपको अगर प्रोफाइल पासवर्ड नहीं, क्वेश्चन नहीं मालूम है, तो आप ब्रांच विजिट करके आप अपने प्रोफाइल पासवर्ड को जो है रीसेट कर सकते हैं, नया प्रोफाइल पासवर्ड जो है बना सकते हैं, रिक्वेस्ट दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास जो है ATM कार्ड है, वो भी चालू ATM कार्ड, तो आप ATM कार्ड के डिटेल इंटर करके आप अपने प्रोफाइल पासवर्ड को जो है रीसेट कर सकते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट वाला ऑप्शन को जो है चूज करेंगे। जब फर्स्ट वाला ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो आपको यहाँ पर चूज करना होगा कि आप कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है देना चाहते हैं, कौन सा क्वेश्चन का आप आंसर अपने अनुसार जो है आपको देना होगा। तो यहाँ पर बहुत सारा जो है क्वेश्चन है, आपने जब प्रोफाइल पासवर्ड बनाया होगा तो उस टाइम उसी क्वेश्चन के आप लोग को इस समय इसी क्वेश्चन का आपको आंसर जो है देना होगा। नहीं तो आप ATM कार्ड डिटेल के द्वारा भी आप अपने प्रोफाइल पासवर्ड को जो है रीसेट कर सकते हैं, बस ATM कार्ड का डिटेल जो है इंटर करना होगा। जब आप प्रोफाइल पासवर्ड को हिंट क्वेश्चन आंसर के द्वारा आप रीसेट करते हैं, फॉरगेट करते हैं, तो जब क्वेश्चन आंसर जब आपने सही डाल दिए होंगे तो इसके बाद इस पर पेज जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को चूज करना होगा, फर्स्ट वाले में जो है प्रोफाइल पासवर्ड जो है बनाना होगा, नया प्रोफाइल पासवर्ड आप यहाँ पर बनाइएगा। इसी प्रोफाइल पासवर्ड के जरिए जो है आप नेक्स्ट टाइम जो है एक्सेस कर पाएंगे। इसके बाद रिपीट कीजिएगा वही प्रोफाइल पासवर्ड को, यहाँ पर कन्फर्म कीजिएगा। इसके बाद ये जो हिंट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप लोग को जो है क्लिक करना होगा, यहाँ पर चूज करना होगा। आप अपने अनुसार क्वेश्चन का जो है अपने अनुसार जो है आंसर देना होता है, जो भी आंसर दीजिएगा, जैसे भी आंसर देना होगा, अगर कैपिटल में लिखते हैं तो जब भी प्रोफाइल पासवर्ड फॉरगेट कीजिएगा तो उसी टाइम उसी प्रकार का जो है आपको आंसर यहाँ पर जो है देना होगा। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ गया, सबमिट वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। जब सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका प्रोफाइल पासवर्ड जो है रीसेट कर दिया जाएगा। जो आपने न्यू प्रोफाइल पासवर्ड बनाया है इसी प्रोफाइल पासवर्ड के जरिए जो है आप एक्सेस कर पाएंगे। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी डाउट चल रहा होगा इस वीडियो से रिलेटेड, तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट करके हमसे जो है सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को फ्रेंड या रिलेटिव के पास आप शेयर कर सकते हैं।